हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे सेफ होंगे वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैं पूजा ढिलो जीजेयू यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब भी आता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे हम बात करने जा रहे हैं आज जीजेयू यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में जो कि इनसो जो संगठन है उसने उठाया था और उनको इस चीज में कामयाबी मिली है अब जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है तो नोटिस पढ़ लेते हैं इट इज हेयर बाय इनफॉर्म दैट द फॉलोइंग पैटर्न विल बी अडॉप्टेड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द सेशन मे जून जुलाई अगस्त सितंबर 2022 मतलब मई से लेकर सितंबर तक जो एग्जाम होंगे 2022 में उनमें ये रिलैक्सेशन जो है क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिलने वाली है दो तरीके से रिलैक्सेशन है आप देखिए और मैं बता रही हूं कैसे है पहला रिलैक्सेशन तो कैसे है जो आपका सिलेबस है डिवाइड किया गया है इनटू यूनिट्स एंड क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी ठीक है आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी रहने वाला है और आपके जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको जिस तरीके से डिवाइड किया जाता है उस तरीके से डिवाइडेड है वो अब पहला क्वेश्चन तो करना है मतलब नो क्वेश्चन आएंगे टोटल नो में से जो पहला कंपलसरी है वो तो करना ही करना है वो अब नहीं हटेगा जैसे एनी फाइव का ऑप्शन मिलता था तो पहला क्वेश्चन नहीं करना होता था लेकिन जी जे यू यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा मीन्स कंपलसरी क्वेश्चन करना है देन आप चाहो तो हर यूनिट से एक क्वेश्चन उठा सकते हो ठीक है चार यूनिट है आप हर अलग अलग मतलब यूनिट में से एक एक क्वेश्चन उठाकर जैसे क्वेश्चन पेपर हम अटेम्प्ट करते थे वैसे कर सकते हैं अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं किसी भी एक यूनिट में से मीन्स आप पहली यूनिट ले लो दूसरी ले लो तीसरी ले लो या चौथी ले लो कोई भी एक यूनिट ऐसी ले लो जिसमें से आप दो क्वेश्चन करोगे ठीक है मीन्स मान लो आपने पहली यूनिट के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर दिया आपको दोनों आते हैं जैसे ही आपने वो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना तो बाकी की जो तीन आपको यूनिट बची हैं उन तीन यूनिट में से यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है कि द कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट फोर क्वेश्चन बाय सलेक्टिंग आइदर वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट और बाय सिलेक्टिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन यूनिट मतलब एक यूनिट में से कोई दो क्वेश्चन चूज करते हुए लिख सकता है और जो बाकी रिमेन टू क्वेश्चन है जो दो क्वेश्चन है फ्रॉम टू डिफरेंट यूनिट ऑफ आउट ऑफ रिमेनिंग थ्री यूनिट मतलब जो तीन यूनिट बच गई उनमें से आप एक यूनिट स्किप कर सकते हो और दो क्वेश्चन आपको अलग अलग यूनिट से करना होगा मीन्स अगर आपने पहले यूनिट में से दो क्वेश्चन किए तो आपको दूसरी यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होगा या आप दूसरी यूनिट स्किप कर सकते हो फिर तीसरी में से एक करना होगा नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हो नहीं तो चौथी में से एक करना होगा और उसको या तो स्किप कर सकते हो मतलब दो क्वेश्चन आपको तीन यूनिट में से दो क्वेश्चन करने हैं अलग अलग यूनिट में से ठीक है दूसरा हो गया वेयर द सिलेबस इज नॉट डिवाइडेड इन टू यूनिट जहां पर जो सिलेबस है यानी मीन समझो यहां पर क्या बोल रहा है यानी लैंग्वेज पेपर आ गया आपके समझ रहे हो जहां पर आपका जो सिलेबस है वो यूनिट में नहीं बांटा गया हो यानी आपका लैंग्वेज पेपर जो कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत के जो आपके पेपर रहने वाले हैं उन पेपरों के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जहां आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड नहीं है यूनिट के अंदर वहां आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसी तरीके से आपको आपका क्या है पेपर करना होगा यानी लैंग्वेज पेपर में कोई छूट नहीं है जितना पेपर करने को मिलता है उतना ही पेपर करना पड़ेगा और ये जो एप्लीकेशन मतलब नोटिस आया है ये किन चीजों पे लागू किया जाएगा तो आपके जो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के जितने भी एग्जाम होंगे यूटीडी इंजीनियरिंग कॉलेज डिस्टेंस एजुकेशन और जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी पे कॉलेज डिग्री कॉलेज और एजुकेशन कॉलेज यानी आपके बी में भी लागू होने वाला है आपके बीटेक में होने वाला है बीटीएम में होने वाला है और एमटेक वगैरह जो भी हैं बी ए बी एस सी यूजी पी जी सब में होने वाला है ठीक है सभी कोर्सेज में ये लागू होगा सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा इस एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा जिसके अंदर लैंग्वेज और विदाउट लैंग्वेज दोनों ही पेपर को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आपको एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करना है बाकी समझ में तो बहुत अच्छे से आ गया होगा काफी बच्चों के ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day. Take care.